हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT फैक्ट्री के मशीन टूल्स यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल 6 महीने से पेंडिंग सैलरी दिलवाने को लेकर कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा से मिला। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT फैक्ट्री के कर्मचारियों और यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को पिंजौर में कालका हलके के पूर्व विधायक एवं भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लतिका शर्मा से मिला और HMT फैक्ट्री के 180 मशीन टूल्स के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से पेंडिंग सैलरी न मिलने को लेकर उनकी समस्याओं का हल करवाने की मांग की गई और इस संबंध में एक ज्ञापन पत्र भी दिया गया, जिसमें HMT मशीन टूल्स के कर्मचारियों और यूनियन के प्रधान अवतार सिंह, विमल कुमार सहित अन्यों ने मांग की है कि पिछले 6 महीने से पेंडिंग उनकी सैलरी दिलवाई जाए। इधर कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कहा कि वह इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत कर HMT के 180 कर्मचारियों की पेंडिंग सैलरी संबंधी अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बेंगलुरु के GM से बात कर HMT फैक्ट्री के कर्मचारियों को समस्या का हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कहा कि सरकार के माध्यम से ही बातचीत कर उनकी समस्याओं को हल करवाया जाएगा। गौरतलब है कि HMT फैक्ट्री के मशीन टूल्स के 180 कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है और सैलरी पेंडिंग पड़ी है। इसी संबंध में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा उपाध्यक्ष लतिका शर्मा से मिला था। पिंजौर में HMT में जो हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट हैं अवतार जी और साथ में विमल जी और यूनियन के और सदस्य जो आज यहाँ पर इस विषय पर कि इनका जो मशीन और टूल्स के 180 जो कर्मचारी हैं उनकी लगातार जो वेतन मिलता है उसमें हमेशा बाधा आती रहती है। बहुत रुक रुक के वेतन मिलता है। अभी भी 6 महीने का इनका दिसंबर से पेंडिंग है, तो उसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से समय लेकर के और इनका जो सैलरी का पेंडिंग है उसका और उसके साथ जो इनके खाते ही फीस किए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इनको जल्द से जल्द कि HMT के जो हमारे 180 मशीन और टूल्स के जो कर्मचारी हैं उनका किस तरह सरकार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के यहाँ पर बात करके और CMD जो बेंगलोर में है उनसे बात करके इनकी समस्या का जिस जल्द से जल्द इनको सैलरी भी दिलवाई जाए और आगे तक का इनका जो इनका वो है वो निकाल समस्या का हल करा जाए।